हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस श्वेता तोमर। बताइए आप लोगों को मेरे साथ मैथ्स करने में मजा आ रहा है ना? चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चैप्टर तो अभी हमारा सेम ही चलेगा, एक्सरसाइज है, चेंज हो जाएगी। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 की थी ना, आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों को मालूम है कर्व्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? नहीं मालूम ना, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। कर्व्स क्या होते हैं? सबसे पहले कर्व, हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कर्व लाइन खींच देना। ये कांच कैसा है, थोड़ा सा कर्व है। ये मेरी जो ड्रेस है नीचे से थोड़ी सी कर्व है, तो क्या मतलब होता है कर्व का? कर्व का मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर जिसके कोई कॉर्नर नहीं होता, क्या जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन कॉर्नर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कर्व लाइन कहते हैं। क्या ये सब क्या है? ये कर्व लाइन है, समझ में आ गया? कर्व वो सर्कल भी हो सकता है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है। नेक्स्ट अब आता है जो मेन है, पॉलीगॉन्स। देखो पॉलीगॉन का आप लोग ध्यान से समझना कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन का मतलब होता है अ फिगर विच इज मेड बाय मोर देन टू लाइंस, यानी कोई भी ऐसी फिगर जो दो लाइन से ज्यादा लाइनों से बनी हो। अब कितनी ज्यादा से, वो कितनी भी ज्यादा हो सकती है, इसका कोई मेजर नहीं है कि वो 4 ही होंगी, 5 ही होंगी, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो दो लाइन से ज्यादा लाइनों से मिलकर बनी हो। जैसे अब मुझे बताइए, क्या आप टू लाइन से कोई फिगर बना सकते हो? नहीं बना सकते, है ना? आपको कम से कम कितनी फिगर आपको यूज करनी पड़ेगी अगर आपको एक क्रॉस फिगर बनानी है? कम से कम 3 लाइन यूज। अब इन्हीं लाइनों के बेसिस पर जो पॉलीगॉन है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? कि कोई भी फिगर आप बनाओगे, 3 लाइन की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, चाहे 10 और 11 की ही क्यों ना हो, होंगे तो वो सब पॉलीगॉन, लेकिन लाइन के बेसिस पर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया, उनको नेमिंग कर दिया गया कि भाई अगर ये पॉलीगॉन 3 लाइन से बना है तो उसको ये कहेंगे, 4 से बना है तो उसको ये कहेंगे। चलिए देखते हैं। देखो ये सबसे कम लाइन कितनी स्टार्ट होंगी पॉलीगॉन में? 3, यानी मोर देन 2 तो 3 होता है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है, अब जो 4 लाइन से बना होगा, जो 4 लाइन से बना होगा उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो 5 लाइन से बना होगा, 2 3 4 5, उसको कहेंगे पेंटागन। ठीक है, 6 लाइन से बना होगा, हेक्सागन, हेक्सागन। 7 लाइन से होगा, हेप्टा। 8 से बना होगा, ऑक्टा। 9 से बना होगा, नैनो। 10 से बना होगा, डेका। ठीक है, तो इसी तरीके से नाम बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया? छोटा, सबसे छोटी लाइन कम से कम 3 लाइन होंगी, क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। देन उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, और आगे आगे 11 12 15 20 नाम इनके अलग अलग चलते चले जाएंगे। फिलहाल हमें कहां तक समझना है? हमें केवल ये समझना है कि हम पॉलीगॉन कहते किसको है। यानी बच्चे पॉलीगॉन में और क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 4 की शेप आ गई तो वो पॉलीगॉन है या क्वाड्रिलेटरल है। अरे भाई पॉलीगॉन तो है, लेकिन पॉलीगॉन की कौन सी टाइप है वो? अगर 4 लाइन है तो पॉलीगॉन की कौन सी टाइप है? पॉलीगॉन की क्वाड्रिलेटरल टाइप है वो। ठीक है, इसी तरीके से पेंटागन, अब ये सोचेंगे भाई पेंटागन क्या ये पॉलीगॉन है? ट्राइंगल क्या ये पॉलीगॉन है? ये बिल्कुल, ये सब पॉलीगॉन है, लेकिन पॉलीगॉन के अलग अलग टाइप्स है। पॉलीगॉन में तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि अब ये कहो कि ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, तो आप बोलोगे है। अब आप बोलोगे पॉलीगॉन एक ट्राइंगल है, तो ऐसा तो
होता ना, समझ में आ रही है बात। पॉलीगॉन के टाइप्स होते हैं, जितनी भी मोर देन टू लाइन से फिगर बनी हुई होती है उनको सबको हम पॉलीगॉन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। ये जो आपके सामने फिगर दी हुई है इनको बताना है ओपन या क्लोज्ड है। अब ओपन और क्लोज क्या है? ओपन का मतलब ऐसी फिगर जो आपस में कॉर्नर उनके मिले हुए ना हो, ज्वाइंट ना हो, ठीक है। क्या इसके कॉर्नर ज्वाइंट है आपस में? नहीं है। अगर मैं इसको कर देती तो ये क्या हो जाता? ये ज्वाइंट हो जाते, तब ये क्या बन जाती? तब ये बन जाती क्लोज फिगर। अभी नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओपन। यहाँ देखो क्या आपको एंड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? कोई एंड पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोज, तो बोलेंगे ओपन, क्योंकि हमें एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्लोज्ड, को तो भी क्या बोलेंगे? क्लोज्ड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। आप अपने आप से डायग्राम बनाने, एक ओपन कर्व कुछ भी बना दीजिए जो आपका मन करे। आप ऐसे बनाकर छोड़ दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आपको। तो कर्व बनाना है, अब बनाना है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व कैसे होगा? ये बन गया, ठीक है, ये सारे आपके क्लोज कर्व। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, लाइक किया है अगर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई। आप लोगों के लिए है ये चैनल, केवल आप लोगों के लिए, पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इसे, ठीक है, जिससे वो लोग भी सिलेबस को कंप्लीट कर सके। घर बैठ कर सिलेबस कंप्लीट करना, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत हार्ड है, ये आपसे नहीं हो पाता, ठीक है, जब तक कोई गाइड करने वाला ना। और यहाँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। यूट्यूब पर आप श्वेता क्लासेस साथ में मैथ्स डालकर चैनल को सर्च कर सकते हैं, और फॉलो अगर करना चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको पूछना है, कोई डाउट है कहीं पर तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। चलिए, ड्रॉ एनी पॉलीगोन एंड शेड इट्स इंटीरियर। एक पॉलीगोन ड्रॉ करना है। अब आप बोलेंगे या क्लोज्ड और ओपन तो दिया ही नहीं, तो भाई पॉलीगोन कभी ओपन नहीं होते, पॉलीगोन हमेशा क्लोज होते हैं। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है, जो भी शेप आप चाहते हो वो शेप आप बना सकते और इसको फिर कलर कर दें। तो ये बन गया आपका पॉलीगोन का शेप। नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। एक फिगर हमारे सामने, ये क्या बना हुआ है? नॉर्मली स्टार बना हुआ है ना? अब देखने में तो ये स्टार लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? हाँ जी बिल्कुल, कर्व तो है ना, कर्व कहेंगे। यस, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा? इज इट क्लोज्ड। अब ये तो कोई पूछने वाली बात थी ही नहीं इसमें। क्या आपको कहीं एंड पॉइंट दिख रहा है इसका? नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी हम यस लिख देंगे, है ना, यहाँ पर भी हम यस लिख देंगे, भाई क्लोज ही तो है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट इम्पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। अब उन्होंने ये कहा है कि एक डायग्राम बनाना है आपको, रफली बनाना है अगर पॉसिबल है तो। का मतलब कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती हो एक पॉलीगोन बनाने। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगोन। एक ऐसा क्लोज कर्व बनाना है जो पॉलीगोन नहीं है। तो ऐसा क्लोज कर्व कौन सा हो सकता है जो पॉलीगोन नहीं है, बताओ? पॉलीगोन की क्या शर्त थी? अ लाइन सेगमेंट,
फिगर विच हैज मोर देन टू लाइन्स, ना यही तो शर्त थी कि दो से ज्यादा लाइनें होनी चाहिए तभी वो पॉलीगोन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लाइन बनाएंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और क्या बना सकते हैं इसको, बना सकते कोई भी शेप बना सकते हो, बस वो पॉलीगोन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, है ना। तो हमने बना दी दो शेप, आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हो, बस लाइन सेगमेंट्स मत दिखाना उसमें। नेक्स्ट देखो, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ये क्या कहा क्वेश्चन में, एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। भाई लाइन सेगमेंट भी उसमें होने चाहिए और वो ओपन भी होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है, सोच के देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए बना सकते हैं ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा कर्व जो लाइन सेगमेंट का भी हो और क्लोज भी नहीं हो, बन सकता है कैसे, आप लाइंस को इस तरीके से बनाते जाइए, कहीं उनको ज्वाइंट मत, कहीं भी ज्वाइंट मत कीजिए। तो लाइन सेगमेंट भी हो गया भाई, ये एक लाइन सेगमेंट, 32 14, ये सारे लाइन सेगमेंट भी हो गए, दोनों के एंड पॉइंट भी दिख रहे हैं, तब ये क्लोज नहीं है, है ना। ये शर्त भी हमने पूरी कर दी। हम नेक्स्ट देखते हैं, अब पॉलीगोन में टू साइड्स, पॉलीगोन बनाना है कि टू साइड्स थी, लेकिन भाई हमने क्वेश्चन जब हमने पॉलीगोन अभी स्टार्टिंग में देखा था तो वहां हमने पॉलीगोन की डेफिनेशन दी थी। पॉलीगोन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट या कर्व विच हैज मोर देन टू लाइन्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि टू साइड से आप एक पॉलीगोन बना दोगे, बताओ मुझे क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना, तो नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, बिकॉज आप पॉलीगोन हैज एटलीस्ट थ्री लाइन्स, क्यों, क्योंकि एक पॉलीगोन में कम से कम थ्री लाइन तो होनी चाहिए तभी वो पॉलीगोन बने। तो देखिए आज की एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, अपने डाउट्स अगर हैं कोई आपके तो उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप अपनी सकते हैं, और वाकई वीडियो अगर पसंद आ रही है और फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस के साथ मैथ्स डालकर आप चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे, कीप वॉचिंग, बाय बाय।